प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में योगी की पुलिस से परेशान एक दलित परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर है। योगी की पुलिस दबंगों के खिलाफ कार्रवाई ना करके उल्टा पीड़ित दलित परिवार को ही धमकाने में जुटी है। फिलहाल पुलिस महकमे के आला अधिकारी मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। सर, हमारे घर में एक नेपाल नाम का दरोगा आया और उसके साथ 4-5 और लोग थे और इधर उधर मतलब हम लोगों को गंदी गंदी जाति सूचक गालियां देने लगा। जब और इधर उधर तलाशियां लेने लगा तो हमने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हमारा हाथ पकड़ा और गंदी गंदी ऐसी तरह से उसने गाली दी हम आपको। सर, और बोल रहा है राजीनामा कर लो, अगर राजीनामा नहीं लोगे तो हम तुम लोगों को गाँव में रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। हम सर खाना बना रहे थे घर पे सब लोग, और पुलिस की गाड़ी आए, वो घर में घुस गए और तलाशी लेने लगा इधर उधर। जब मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे, तो मेरा हाथ खींचा तो कहे अगर राजीनामा कर लो, राजीनामा नहीं करोगे तो तुम्हें गांव में रहने का वर नहीं रखेगा। इतने मुकदमे लगाएंगे तो रह नहीं पाओगे गाँव में। तहरीर दी थी, तहरीर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब दरोगा घर पर आया और उसने महिलाओं को तंग किया, उल्टी सीधी गालियाँ बकी और ये कह रहा है तुम्हें घर में रहने लायक छोड़ेंगे नहीं, तुम पे इतने मुकदमे लगाऊंगा कि तुम रह नहीं पाओगे। बताओ इस तरीके से कैसे रह पाएंगे? क्यों, किस तरह, क्यों कह रहा है ये? वो ये कह रहे हैं राजीनामा कर लो। तो क्या करेंगे आप इसके बाद? तो सर, हम इसीलिए छोड़ के चले जाएंगे और क्या करेंगे, गाँव छोड़ देंगे। इसमें होली वाले दिन मुझे जो पता चला, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है और SHO से भी मैंने बात की, तो होली वाले दिन कुछ कहा सुनी हुई थी और कुछ देखने से अतिरंजित लग रहा है, तो फिर भी इसकी जांच करा के और जो नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं घर में घुसकर गालियां दी हैं सर, ये इसकी जांच करा रहे हैं।